अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग बर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करना है, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, जो आपको क्या दिया हुआ है, f(x) = 5√ स्क्वायर रूट तो नहीं बोलेंगे इसको, 5 रूट्स, ठीक है, रूट ऑफ 5 एंड अंडर रूट। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 3, ठीक है। अब इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया है वो लिख लिया। तो रूट आपको किसका दिया, 5 का दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस 2x + 3, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने से पहले हम एक लाइन लिखते हैं, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ पे एक्स है, तो उसकी वजह से लेंगे डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी एक्स हमने यहाँ पे ले लिया, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया, और डी ओवर डी एक्स हमने राइट हैंड साइड पर भी ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट। x² + 2x + 3 जो चीज लिखी थी वो लिख दी ऐसी की ऐसी, ये वाली हो गई बात खत्म। अब हमने लेना है इसके ऊपर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने से पहले कुछ देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसको हम कर लेते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी कि कभी भी आपको रूट्स दे दिए जाएं तो उसको आप उसकी पावर में लिख दिया करें, जिस तरीके से x² + 2x + 3 की पावर, ये क्या था, 5 रूट था ना, तो आप इसको 1/5 में लिख सकते हैं। ये वाली बात तो आपको पता होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा मैंने इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि इसका जो डेरिवेटिव लेना होगा वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो आपको डेरिवेटिव के क्वेश्चन में कभी भी रूट्स मिल जाए तो आप उसको उसकी पावर में कन्वर्ट कर दिया करें, इससे आपके लिए आसानी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बड़ा सा क्वेश्चन, एक बड़ी हैवी क्वेश्चन लिखी हुई है और उसके ऊपर पावर है। तो ये किससे सोल्व होगा, ये डब्बे की पावर एन के फॉर्मूले से सोल्व होगा। तो बेसिकली क्या करेंगे, बेसिक रूल वही लगेगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, उसमें से एक कम करेंगे और इन द एंड मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव वो डब्बा। तो डब्बा यहां पे x² + 2x + 3 लिखा तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूले के तहत इसको भी एक्सपेंड करते हैं। चलें जी आ जाएं। तो d/dx f(x) = क्या होगा, अब जरा आ जाएं यहां पर। तो जरा देखिएगा, पावर है, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, x² + 2x + 3, ठीक है, और पावर का लिखिए 1/5 - 1, पावर में से एक कम कर दिया। तो जरा देखिएगा वही काम किया, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, उसमें से एक कम कर दिया, और इन द एंड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डेरिवेटिव ऑफ डब्बा क्या है, यहां पे डब्बे के अंदर हमें क्या दिखा हुआ है, x² + 2x + 3, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब चले जी आगे और आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा, ये चीज मेरे पास ऐसी कैसी रह गई, x² + 2x + 3 था, ठीक है। अब जरा ऊपर लेना है एलसीएम, आप एलसीएम डायरेक्ट लेना आता है तो आप डायरेक्ट ले लें, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं स्पेशली टाइम भी बचेगा और उन बच्चों के लिए आसानी होती है जिनको थोड़ी मुश्किल होती है एलसीएम लेने में। तो लादा देखिए, कैलकुलेटर में जैसी वैल्यू थी आप वैसे की वैसी हूबहू लिखेंगे, ठीक है। जितना देखिएगा 1/5 - 1 था, वही मैंने कैलकुलेटर में लिखी और इजिकल टू कर दिया, तो -4/5 मेरा आ गया। तो लादा मैं लिख दूंगा -4/5 मेरा एलसीएम लेके आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात भी हो गई। अब जरा आगे चलते हैं। अब हमारे जो डेरिवेटिव है, इस बॉक्स के ऊपर डेरिवेटिव लेना है। तो आपको पता है कि ये डी ओवर डी एक्स इस टर्म के पास भी और इस टर्म, तीनों टर्म के पास डेरिवेटिव आएगा। तो चले जी बारी बारी लेके जाते हैं, उनका डेरिवेटिव लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के पास आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी और एक्स 2 में से 1 चला गया तो पावर 1 बची। ऊपर 1 लिखो या लिखो कोई मसला नहीं होता। अब इधर आ जाए, 2 एक कॉफिशेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया और मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगा दिया। तो यहाँ पे मेन फंक्शन मेरे पास एक्स है, तो जब मैंने एक्स का डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, और ये फार्मूला आपको याद भी होगा। तो 2 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब आ गया 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो सिंपल मैंने 0 लिख दिया। अब चलें जी आगे चलते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, 1/5, ठीक है, वो लिखा। अब जरा यहां पे देखिएगा, एक चीज बताई थी मैंने कि आपको डेरिवेटिव के अंदर जो फाइनल आंसर होता है, मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा फाइनल आंसर होता है, उसके अंदर जो पावर होती है वो नेगेटिव में नहीं होती। तो यहां पे माइनस है, इसको मैं अपॉन में ले आऊंगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलें जी हम कर देते हैं। तो x² + 2x + 3 की पावर 4/5 हो गई, यानी कि माइनस में थी पॉजिटिव हो गई, सही है स्टूडेंट। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे। तो अब इसको भी हम लिख देते हैं 2x+, अब ये तो ऐसी कैसी रहा, 2 1 2 और 0 मेरा हो जाएगा खत्म, ठीक है, ये वाली बात भी हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करना है, अब हम इनको सिंप्लीफाई करके, यानी कि जोड़ के लिख देना है। तो चलिए जोड़ के लिख देते हैं, तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/5 था, 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 2x+2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और डिवाइड में क्या है, x² + 2x + 3 की पावर 4/5, ठीक है स्टूडेंट। आप अपना आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जरा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इन दोनों के अंदर आ रहा है कॉमन। तो आप सबसे पहले 2 को निकालेंगे बाहर कॉमन, ठीक है, 2 आपने जैसे ही कॉमन निकाला तो अंदर आपके पास x+1 बच गया, ठीक है। और इसके अंदर डिवाइड के अंदर क्या था, x² + 2x + 3 की पावर
फोर अपॉन फाइव, ठीक है, वो आपने लिख दी। अब आप क्या करेंगे, जो टू है इस टू का हम थोड़ा बाहर निकाल देंगे, टू अपॉन टू वन जो टू और नीचे फाइव है, ठीक है स्टूडेंट। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री की पावर 4 अपॉन 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जिस तरीके से आपकी बुक के अंदर पीछे आंसर दिया तो वही मैंने इस तरीके से लिख के दे दिया ताकि किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं हो। तो लादा हम यहां पे लिख देंगे एफ ऑफ डैश एक्स, क्योंकि ये सारे इसी तरह लिखते हुए आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 ले लिया है, जो हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन में अंदर कहा गया है कि ए बिलोंग, ई का मतलब होता है बिलोंग, ठीक है। तो ए बिलोंग टू रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। तो लादा ए को हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर मानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए जी इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लिया, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन के बाद आपने लिख दिया टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना था। तो इस लाइन का मतलब होगा कि डी ऑफ डी एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया और डी ऑफ डी एक्स आपने राइट हैंड साइड पे भी ले लिया। तो चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो डी ओवर डी एक्स लिखा आपने, एफ ऑफ एक्स लिखा। अब आप देखेंगे थोड़ी इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन यानी कि आपको पता है स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। तो लादा इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ताकि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन आगे का जो डेरिवेटिव लेना है वो ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो लादा इसको स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब हमने इसको देखा तो हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, उसके ऊपर पावर एन है, तो यहाँ पे डब्बे की पावर का एन का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के तहत हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। तो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डब्बे की पावर एन के क्या साथ करते हैं कि पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और उसमें से एक कम कर देंगे और इन द एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डब्बा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चले जी आ जाए, तो सबसे पहले पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर की पावर 1/2 में से माइनस 1 कर दिया, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डब्बे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, बोला आपने लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ इस फॉर्मूले के तहत हमने एक्सपेंड कर दिया, सिंपल यही काम किया। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, जो हमने काम करना है वो करते हैं। तो चले जी आए, तो सबसे पहले एफ ऑफ डैश एक्स कर देंगे, क्योंकि अब हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं इस साइड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/2 किया, तो इसके ऊपर क्या है, माइनस 1/2 बच जाएगा। आपको मैंने एलसीएम लेना भी सिखाया था, एलसीएम ले लें या आप इसको कैलकुलेटर में भी डालेंगे तो आपके पास माइनस 1/2 ही आएगा। अब आते हैं यहाँ पर, अब ये जो डेरिवेटिव है इस टर्म के पास भी आएगा और ये डेरिवेटिव ए स्क्वायर के पास भी आएगा। तो जरा देखते हैं क्या होगा, जब ये एक्स स्क्वायर के पास आया तो टू मल्टी पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई और दो में से एक गया तो पावर 1 बची, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे आगे, प्लस ए क्या है, ए कॉन्स्टेंट नंबर आपको बताया था रियल नंबर है। तो डेरिवेटिव जब हमारा ए के पास आएगा तो ए स्क्वायर और कुछ भी लिखा हो तो ए तो बेसिकली कॉन्स्टेंट नंबर है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर हमेशा जीरो होगा। तो लादा ए का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है ये चीज किसी को मसला करेगी वो भी क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, जरा देखिएगा 1/2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पावर माइनस में नहीं रहने देंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव में। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस में थी तो 1/2 पॉजिटिव में हो गई, ठीक है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई बाय 2x हो गया, सही है, सिंपल। तो और ये जीरो जो था वो खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, ये वाली बात भी हो गई खत्म। अब हम जरा देखते हैं आगे हमारे साथ और क्या हो रहा है। तो जरा देखिएगा ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास आगे क्या बचा, एक्स बचा, तो एक्स को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आया जरा देखते हैं। तो एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स वन जा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट, ये काम हो गया। लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है, आपको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है किसके, ये 1/2 है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट के बराबर। तो आपने वापस इसको कन्वर्ट कर दिया, तो आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है कि सारी चीज़ आपकी क्लियर होगी होंगी, किसी किस्म का भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।